जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ी सदा वृंदावन से, आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन। मंथली प्रोडक्शन में आज की बात करते हैं धनु राशि की, कि धनु राशि वालों का ये जो महीना है जून 2024 का, कैसा इनका स्वास्थ्य रहेगा, धन संबंधी इनके साथ कैसी पोजीशन होगी, संतान के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा, संतान का व्यवहार इनके साथ कैसा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में ये जो जातक है पढ़ने वाले कैसा कमाल करेंगे, प्रेम प्यार लव रिलेशन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य इनका कैसा सपोर्ट करेगा और कैरियर में इनको क्या क्या ग्रोथ मिलने वाली है, व्यापार और नौकरी की हालत कैसी होगी, इन सब बातों को जानने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहिए और ये प्रोग्राम आपको आखिर तक देखना है। अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं सबसे पहले कि धनु राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि महाराज धनु राशि से तीसरे घर में बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस के अंदर बैठे हैं। राहु फोर्थ हाउस में है, धन मीन राशि में। मंगल पंचम भाव में है, अपनी ही मेष राशि में। छठे घर में जहाँ वृष राशि है वहाँ बैठे हैं गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र। और जहाँ छः नंबर लिखा है दशम भाव में, वहाँ बैठे हैं केतु महाराज। तो सबसे पहले आपको मैं आपके स्वास्थ्य की जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके जो लग्न का स्वामी है वो पहुँच गया छठे घर में, और छठा भाव आपको पता है ऋण का, रोग का, बीमारियों का भाव होता है। हालांकि छोटी बीमारी होती हैं, बड़ी बीमारी नहीं होती हैं, फिर भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें तो करती करती हैं। अब जो लग्न का मालिक होता है, लग्न से हम क्या देखते हैं, लग्न से हम आदमी का व्यक्तित्व तो देखते हैं, लग्न से हम उसका मान सम्मान देखते हैं, सामाजिक तौर पर उसकी क्या स्टेटस क्या है, और लग्न से हम उसके स्वास्थ्य संबंधी जो कोई दिक्कत है परेशानी उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। अब छठे भाव में जाने का मतलब है कि छठा भाव एक तो धन त्रिकोण का भाव होता है, दूसरा भाव छठा भाव, दसवां भाव। हमारी कुंडली में तीन जो है धन त्रिकोण के भाव होते हैं, तो ये जो छठा भाव है ये भी धन त्रिकोण का भाव होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बृहस्पति अगर छठे भाव में बैठा है और शत्रु के घर में बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट इसको जरूर होंगे। दूसरी बात, जो लोग पैसे लेन देन का काम करते हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, किसी मठ के महंत हैं, संत हैं, विदेशों से आपका कोई संबंध है किसी प्रकार का, आप वहाँ से काम करते हैं, पैसे का लेन देन का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो छठे घर में बृहस्पति धन त्रिकोण में बैठा है तो इन सभी कामों से, अगर आप हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, जेल में नौकरी करते हैं, मेडिकल दवाइयों का कारोबार करते हैं, सोने का काम करते हैं, सुनार है, तो ये जो समय है आपके लिए जो बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो रहा है आपके लिए बहुत शानदार और बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। हम तो सिर्फ जून महीने की बात कर रहे हैं, ये आपके लिए पूरे साल रहेगा जब तक बृहस्पति का गोचर यहाँ रहेगा। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छी पोजिशन में, खराब नहीं। लेकिन अगर आप कोई और काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ और कोई काम करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कहीं ये दिक्कत या परेशानी खड़ी कर दे। शनि आपके तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर होता है हमारे विल पावर का, पराक्रम का, हमारे पुरुषार्थ का। शनि की जो सीधी दृष्टि है वो भाग्य भाव के ऊपर आ रही है, तो भाग्य के ऊपर जो शनि जैसी ग्रह की दृष्टि आती है तो कहीं ना कहीं वो भाग्य को प्रबल करता है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, न्याय का देवता है। तो धनु राशि वालों के लिए शनि खराब प्रभाव नहीं देता है, भाग्य पर दृष्टि देगा तो भाग्य कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट करेगा, इस महीने भाग्य आपके साथ होगा। चौथे भाव में राहु बैठा है, राहु का यहाँ बैठना थोड़ा ठीक नहीं माना जाता, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आपको घर की सुख सुविधाओं में अवश्य करेगा। लेकिन कुछ ग्रहों का स्थान परिवर्तन भी इस महीने में होना है। पहला स्थान परिवर्तन शुक्र का होना है 12 जून को,
जो शुक्र देवता हैं वो अपनी राशि को छोड़ करके, छठे घर को छोड़ करके सप्तम भाव जब तीन नंबर लिखा वहां चले जाए। उसके बाद जो बुध महाराज हैं वो भी 14 जून को अपने घर में चले जाएंगे तीन नंबर में, यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे। और इनके साथ में सूर्य देवता भी 14 जून की रात्रि को ये भी मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो इन तीन ग्रहों का जो ट्रांजिट होना है मिथुन राशि में, ये आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। तो जब ये शुक्र का परिवर्तन यहाँ होगा तो शुक्र सीधा आपके लग्न पर दृष्टि डालेगा। तो जब लग्न पर दृष्टि डालेगा तो जो भौतिक सुख है जो शुक्र हमें प्रदान करता है, लग्जरी लाइफ शुक्र हमें देता है, तो यहाँ से जब शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, दोनों शुभ ग्रह हैं, तो हमें हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारी चतुराई के द्वारा सुख संपत्ति ऐश्वर्य भौतिक सुख सब प्राप्त होने लगेंगे 12 और 14 जून के बाद। सूर्य का भी यहाँ गोचर होगा, तो सूर्य भाग्य का मालिक है। जब सूर्य त्रिकोण, जब त्रिकोण का मालिक और केंद्र में बैठता है उसका बल बढ़ जाता है, तो सूर्य का बल भी यहाँ बढ़ेगा। तो आपको सप्तम भाव से संबंधित जो जो चीज़ों का विचार करते हैं उन सब चीज़ों में भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। जैसे पति पत्नी के संबंध की बात करते हैं तो पति पत्नी का संबंध बढ़िया रहेगा, मधुर रहेगा। शुक्र भी है, बुध भी है, सूर्य भी है, ये 14 जून के बाद 14 जून से 30 जून तक दाम्पत्य जीवन आपका बहुत शानदार रहेगा। व्यापार की बात करें इस भाव से तो व्यापार आपका बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि व्यापार का जो कारक है बुध स्वयं अपने घर में बैठा हुआ है। बुद्धि चतुराई चातुर्मिता इन सब का कारक होता है, बुध वाणी का कारक भी होता है। तो कहते हैं ना कि जितनी बढ़िया वाणी होती है उतना ही सामान आपका ज़्यादा बिकता है। तो बुध जब अपने घर में बैठेगा, हालांकि ये केंद्रादि पर दोष भी लगता है लेकिन गोचर में दोष माने नहीं रखता, यहाँ बुध आपको बहुत ही उत्तम परिणाम देगा। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, अच्छे आपको ऑर्डर्स आएंगे आपके पास, हो सकता है कोई आपको सरकारी टेंडर मिल जाए। अगर आपको गवर्नमेंट का काम करते हैं तो गवर्नमेंट से आपको कोई अच्छा काम मिल जाए, बड़ा काम मिल जाए, इसमें आपको अच्छा लाभ हो। तो लाभ भाव का मालिक शुक्र है, वो भी सप्तम भाव में बैठा हुआ। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, काम धंधा व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। शिक्षा की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं, तो शिक्षा का जो मालिक है मंगल अपने ही घर में बैठा है त्रिकोण के अंदर, और ये धनु राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा कारक ग्रह है। और जब ग्रह अपने घर में बैठता है, अपनी राशि में बैठता है, तो सुपर पावर सुपर कारक बनता है। मंगल के साथ भी यही पोजिशन, मंगल यहाँ बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। मंगल की जो दृष्टि है अष्टम भाव पे जाएगी, यहाँ से चौथी, पहली जो चार चौथी दृष्टि होती है अष्टम भाव पे जाएगी, उसके बाद दृष्टि जाएगी इसकी लाभ भाव पे, फिर जाएगी व्यापार के भाव पर, द्वादश भाव पे। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है जब ये अष्टम भाव पे जाएगी, अष्टम भाव का कालचक्र कुंडली में मंगल मालिक बनता है और उसका स्वामी होता है। तो आपका कहीं भी, क्योंकि दृष्टि नीच की होगी इसकी, अगर किसी के पास पैसा फंसा हुआ है, कोई आपसे दुश्मनी करता है, तो उसको समूल नष्ट कर देगा। पैसा फंसा है पैसा मिलेगा आपको। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक काम करना चाहते हैं, अष्टम भाव होता है रिसर्च का, जीवन बीमा का, LIC का, वसीयत का, इन चीज़ों का भाव होता है। जो बच्चे इस लाइन के अंदर, इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए मंगल बहुत एकदम ऊर्जा कारक ग्रह बनकर उनकी सपोर्ट करें। कोई अगर एग्जाम देना है, पेपर देना है, कोई आपका इंटरव्यू है, तो आप 14 तारीख के बाद अगर इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि सूर्य भी तब चेंज होकर केंद्र में पहुंच जाएगा सप्तम भाव में तीन नंबर में, तो यहाँ पर वो इंटरव्यू और वो जो आपकी परीक्षा है उसमें आपको कामयाब होने के 80% चांस पैदा हो जाएंगे। मंगल के पास वो पावर है। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पे जाती है, तो मंगल हमारी कुंडली में बहुत ही कारक बन के बैठा है। ये जब लाभ भाव पे दृष्टि जाती है तो ये आपको हर उस प्रोफेशन से लाभ देगा जिस प्रोफेशन को ये जातक करेगा। जमीन है, जायदाद है, कोई मकान है, प्लॉट है, रियल इस्टेट है, शनि भी तीसरे भाव में बैठा है, शनि की दृष्टि में मंगल पे आ रही है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार इस टाइप की कोई थोड़ी बहुत परेशानी आपको पैदा शनि के द्वारा हो सकती है। लेकिन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रियल इस्टेट होटल मैनेजमेंट रेस्टोरेंट इन सब के अंदर आपको काम लाभ मिलेगा जो जो इस लाइन का काम करते हैं। अगर आप मकान बना के बेचते हैं या बिल्डिंग मटेरियल का सामान सप्लाई करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर हैं, तो आपको उससे भी लाभ प्राप्त होगा।
अगर आप खदान का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, उसमें भी आपको लाभ, कोयले का काम करते हैं उसमें आपको लाभ देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पे आ रही है और मंगल बहुत ही पावरफुल, शनि बहुत ही पावरफुल, दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। तो जब शनि की दृष्टि भाग्य पर आती है तो वो पूर्ण रूप में भाग्य आपका साथ देगा, और मंगल यहाँ लाभ भाव पर दृष्टि दे रहा है तो आपको हर उन चीज से लाभ देगा जिस चीज का कारक मंगल और शनि। मंगल की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी जाती है, जो बारहवां भाव कहते हैं इसको। बारहवां भाव होता है हमारे विदेश का। तो जो जातक पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सूर्य केंद्र में बैठा हुआ है त्रिकोण का स्वामी बन के, तो सूर्य भी आपको सपोर्ट करेगा, इधर मंगल भी आपको सपोर्ट करेगा। हाई लेवल की एजुकेशन उसको प्राप्त करने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, व्यापार के लिए बाहर जा सकते हैं, या किसी के बुलावे पर जैसे घूमने फिरने आदमी कोई पिकनिक पॉइंट है या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना, विवाह शादी में जाना, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा धन का आगमन करने के लिए छठे भाव में बैठे हुए नौकरी करने वाले जातक हैं। तो केतु भी आपका दशम भाव में बैठ के बहुत अच्छा परिणाम देता है। राहु, केतु, शनि, मंगल, इनके लिए तीसरा, छठा, दसवां और ग्यारहवां, ये चार भाव बहुत ही अनुकूल होते हैं। इधर राहु तो थोड़ा आपको दिक्कत करेगा, लेकिन केतु आपके लिए बहुत ही मतलब आपके लिए फेवर में काम करेगा, आपको हर तरीके से आपको व्यापार को, काम को, धंधे को, करियर को बढ़ाएगा। तो ये धनु राशि वालों का एक छोटा सा डीएनए हमने किया, कैसा लगा इसके बारे में राय दें। आपको छोटा सा उपाय बताते हैं। देखो, बृहस्पति दुश्मन के घर में बैठा है, छठे घर, तो कोई ना कोई आपको दिक्कत परेशानी कहने की थोड़ी बहुत तो जरूर देगा। इससे बचने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और अगर आप कर सकते हैं तो केले के जो पौधा होता है मंदिर में लगा होता है, उस केले के पौधे की आप पूजा करें। जल के अंदर थोड़ी हल्दी डाल के, थोड़ा चने की दाल डाल के, थोड़ा गुड़ डाल के, और रोजाना अगर आप केले पे चढ़ाते हैं या बृहस्पति बार चढ़ाते हैं तो आपको ये जो दोष है बृहस्पति का, इससे आपको लाभ। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बृहस्पति को बल मिलेगा, तो बृहस्पति आपको नुकसानदायक जो प्रभाव है बिल्कुल भी नहीं। तो वीडियो ये समाप्त करते हैं, अगला वीडियो लेकर फिर आ जाऊंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।